मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। ग्रीन मुमरा क्लीन मुमरा, ये स्लोगन तो दिया गया था लेकिन ये स्लोगन वक्त के साथ कहाँ गायब हो गया, ये आप सभी जो है ढूंढते हुए भी नहीं मिलेगा। और एक जीता जागता उदाहरण, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अक्सर करके कचरा फेंका जाता था और यहाँ पर बड़े बड़े दावे भी किए गए, लेकिन बहरहाल कचरा हटाने के बाद यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है, जिस बोर्ड में आप देख सकते हैं कि थाने शहर को कचरा मुक्त करने के लिए आप लोगों का बहुत सहयोग जरूरी है और आप लोगों के सहयोग के कारण ये शहर साफ हो जाएगा। और अगर कोई इस जगह पर कचरा फेंकता है तो 5,000 रुपये का दंड यहाँ पर भरने को उसे कहा जाएगा। और साथ ही साथ नीचे आप देखिए कि यहाँ पर 2 CCTV कैमरा का फोटो है, लिखा हुआ है कि यहाँ पर CCTV की निगरानी है। अब इस पूरे परिसर को मैं घुमाकर दिखाऊंगा कि जहाँ भी आपकी बोर्ड में नज़र पड़ेगी यहाँ पर कोने कोने के चप्पे चप्पे पर भी जो है एक भी CCTV कैमरा ना मनपा का लगा हुआ है, ना जो कचरा डिपार्टमेंट का यहाँ पर बोर्ड लगा है उन्होंने लगाया है, एक भी बोर्ड इस तमाम पूरे परिसर में नहीं लगा। हम कह सकते पूरे मुमरा शहर में CCTV ना होने के कारण बहुत बड़ी समस्या होती है। और यहाँ पर एक दावा ज़रूर कर दिया गया है कि CCTV की निगरानी में है, यहाँ पर कचरा फेंकेंगे तो 5,000 रुपये का दंड है, लेकिन ना CCTV है ना 5,000 वसूलने वाले यहाँ पर कोई अधिकारी है। बहरहाल यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर CCTV जो बोर्ड लगाने के बाद यहाँ पर एक गाड़ी दे दी गई है, जिस गाड़ी में यहाँ के लोग आकर के कचरा फेंक सकते हैं, यानी रोड पर फेंकने के बजाय गाड़ियों में फेंकेंगे और ये गाड़ी डंप करते हुए सीधा डंपिंग ग्राउंड को जाएगी। अब ये देखना है कि एक सुधार तो लाया गया है, लेकिन जो राजनीति के लिए एक एक जुमलेबाजी की जाती है कि 5,000 रुपये जुर्माना है और CCTV लगेगा, तो ये दोनों ही खोखला साबित हुआ। और 5,000 हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है, पहले CCTV लगा दिया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि सुधार और स्वच्छ जरूर हो सकता है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुमरा। सामने से फ्रंट से ले लो इसका।